बुढ़ई थाना क्षेत्र के कलाजोर गांव में मुखिया की अध्यक्षता में हो रहे भूमि विवाद की पंचायती में एक पक्ष द्वारा रड, लाठी व कुल्हाड़ी से मारकर चार महिला समेत कुल सात लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायलों ने घटना की सूचना मधुपुर थाने में दी है। घायल मकसूद आलम ने बताया कि पूर्व से रफीक शेख के साथ भूमि विवाद चल रहा था। आज कलाजोर गांव में पंचायती हो रही थी, तभी विपक्षी रफीक शेख अपने 6 समर्थकों के साथ रड, लाठी, कुल्हाड़ी व चाकू से मारकर मकसूद शेख, मुश्ताक शेख, नसीमा खातून, मोहम्मद तबरेज, सैरून बीवी, जैबुन खातून, सोनिया खातून को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जमीन का झगड़ा के लिए हम लोग आदमी को सबको इकट्ठा करके फैसला करेंगे मुखिया समेत, लेकिन वो लोग पहले से तैयार था कि हमको मारना है। इसके लिए वो लोग मतलब हमला कर दिया, मतलब लाठी से, तो रड से, तो टांगी से, सब तो मार के हम लोग को एक मुखिया को भी मारा, सर पड़ गया है पत्थर से, है चाकू है। मधुपुर में अतिक्रमणकारियों पर कल से चलेगा प्रशासन का डंडा। अतिक्रमण को लेकर आज SDO दिनेश यादव के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया व अतिक्रमणकारियों को अविलंब अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिए। मौके पर SDO ने कहा कि 24 अगस्त से अतिक्रमणकारियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी विनय पांडे, CO परमेश्वर कुशवाहा, इंस्पेक्टर इंचार्ज रामदयाल मुंडा मौजूद थे। आज यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला गया है पूरे जो हमारे मेन इलाके हैं मधुपुर टाउन के, और उनको फ्लैग मार्च के ज़रिए चेतावनी दी गई है कि एक दो दिन में हम अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चला रहे हैं, उसके पहले आप अपना सामान और जो भी दुकान वगैरह है उसको हटा लें, उसके बावजूद भी नहीं हटाते हैं तो जो क्षति होती है उनके सामान की उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होती है। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हम कोशिश करेंगे कि इनको कहीं और विस्थापित कर सकें, हमने कई जगह भी देखी है, तो वी विल ट्राई टू वर्क आउट सम सॉल्यूशन, बट एज फॉर नाउ इनको चेतावनी दे दी है हमने, एंड वेरी सून वी विल एक्ट ऑन। झारखंड में उर्दू शिक्षकों व उर्दू विद्यालयों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया व उपेक्षा के विरोध में अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा द्वारा डाक बंगला स्थित अंबेडकर चौक पर महाधरना का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा का आरोप है कि प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के विद्यालयों से शुक्रवार की साप्ताहिक अवकाश रविवार को करने का निर्देश दिया गया। विद्यालय के नाम से उर्दू शब्द हटाया जा रहा है। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की वोट से राज्य की हेमंत सरकार चल रही है। कहा कि हेमंत सरकार अगर अब भी अल्पसंख्यकों के हित की अनदेखी करेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय इसका बदला लेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधुपुर के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में सदस्यता अभियान पर विस्तार से चर्चा किया गया व दर्जनों लोग अभाविव का सदस्यता भी ग्रहण किए। विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के माध्यम से कैंपस में विभिन्न तरह के रचनात्मक, आंदोलनात्मक और संगठनात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे। बैठक में विशेष रूप से अभाविव क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन ने संगठनात्मक चर्चा किए। कहा कि विद्यार्थी परिषद समाज हित व राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है तथा अभाविप की विभिन्न प्रकल्पों एवं गतिविधियों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व निर्माण व विकास हेतु कार्य करती है। प्रदेश सहमंत्री राजेंद्र कुमार ने कहा कि देश, समाज एवं छात्र हितों के साथ देश के पुनर्निर्माण के लिए सदैव गतिमान रहने वाला संगठन है तथा छात्र छात्राओं से सदस्यता अभियान में भाग लेने का आह्वान किए। जिला संयोजक अंकित सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान 22 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा और मधुपुर के सभी +2 स्कूलों, कोचिंग संस्थान, प्रखंडों में सदस्यता होगा। मधुपुर में 1500 लोगों को सदस्य बनाना है। मन संचालन नगर मंत्री सुमित यादव ने किया। मौके पर विभिन्न विभाग संगठन मंत्री उपेंद्र कुमार, प्रदेश सहमंत्री राजेंद्र कुमार, अंकित सिंह राठौर, जिला संयोजक सुमित यादव, नगर मंत्री सूरज कुमार, कॉलेज मंत्री वैष्णवी चौधरी, छात्रा कला प्रमुख खुशी शर्मा, छात्र प्रमुख सागर जायसवाल, अंकित आनंद, विष्णु गुप्ता, नैतिक तिवारी, सौरभ कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
मधुस्थल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, DXRay तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है। लालगढ़ पसिया स्थित महेंद्र मुनि ताराश्री चंद वैद्य आश्रम सरस्वती विद्या मंदिर में संकुल स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संकुल के विभिन्न विद्यालयों ने भाग लिया। प्रश्न मंच प्रतियोगिता पर प्रकाश डालते हुए आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शैलेश मिश्रा ने कहा कि प्रश्न मंच प्रतियोगिता से विद्यालय के भैया बहनों की प्रतिभा में निखार आता है। मौके पर स्थानीय प्रबंधकारिणी समिति के सचिव महेश बथवाल, प्रधानाचार्य शैलेश मिश्रा, आनंद मिश्रा, सीताराम झा, परमानंद ठाकुर, रंजीत मंडल, अंबिका यादव, कृष, सौरभ कुमार, सोहन कुमार, जितेंद्र कुमार इत्यादि लोग उपस्थित थे। विद्या विकास समिति झारखंड के द्वारा आयोजित संकुल स्तरीय प्रतियोगिता दो विद्यालयों में संपन्न हुई। महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विज्ञान, वैदिक गणित और संगणक की प्रश्न मंच प्रतियोगिता हुई। वहीं महेंद्र मुनि ताराचंद वैद्य आश्रम में अंग्रेजी, संस्कृत और संस्कृति बोधमाला प्रश्न मंच की प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता को शिशु वर्ग, बाल वर्ग व किशोर वर्ग में बांटा गया। 6 विषयों की इस प्रश्नमाला प्रतियोगिता में महेंद्र मुनि के बच्चों ने सभी वर्गों में प्रथम पुरस्कार जीते। वहीं महेंद्र मुनि तारा श्री चंद वैद्य आश्रम के बच्चों ने संस्कृति बोध शिशु वर्ग, किशोर वर्ग, संस्कृति शिशु बाल और किशोर वर्ग तथा अंग्रेजी के शिशु वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किए। संस्कृति बोधमाला बाल वर्ग, अंग्रेजी बाल और किशोर वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किए। उमा नलिनी सरस्वती शिशु मंदिर कुंडा देवघर के बच्चों ने बाल वर्ग, विज्ञान और किशोर वर्ग के अंग्रेजी विषय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रुक्मिणी देवी गुटगुटिया सरस्वती शिशु मंदिर ने संस्कृति बोधमाला के बाल वर्ग में द्वितीय और अंग्रेजी के बाल वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। महेंद्र मुनि ताराश्री चंद वैद्य आश्रम में विद्यालय के सचिव महेश बथवाल तथा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुंडा के प्रधानाचार्य आनंद मिश्रा ने बच्चों को पुरस्कार दिए। वहीं महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा और प्रभारी प्रधानाचार्य शिवनाथ झा ने पुरस्कार प्रदान किए। यहाँ से चयनित बच्चे विभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 25 अगस्त को विद्यासागर तथा 27 अगस्त को ललमटिया भाग लेने जाएंगे। मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश यादव के विरोध में अनुमंडल अधिवक्ता संघ मधुपुर द्वारा आज लगातार 36वें दिन भी उनके सभी न्यायालयों का बहिष्कार जारी है। साथ ही पिछले मंगलवार से मधुपुर SDO दिनेश यादव के स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ता संघ सदस्यों द्वारा मधुपुर अनुमंडल कार्यालय के निकट अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के इस धरना प्रदर्शन व समस्याओं को देखते हुए सारठ विधानसभा के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह अधिवक्ताओं के समर्थन में धरनास्थल पहुंचे और अधिवक्ता संघ सदस्यों का हौसला बढ़ाए। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं को देखते हुए अपना नैतिक समर्थन देने आया हूं। इस तरह की जो घटना हुई है वो हास्यास्पद, विचारणीय, शर्मनाक व जितनी भी बातें कही जाए कम है। कोई भी पदाधिकारी का पद तो है, पहले अपना पद को ठीक करो। पद ही नहीं रहा तो कद भी काम नहीं आएगा। ये बात समझाने का प्रयास करूंगा। रही बात सरकार की, तो सरकार भी ऊहापोह की स्थिति में है। इनको बचाएं या आवाम को बचाएं? जिस तरह संघ के अध्यक्ष के साथ SDO ने व्यवहार किया, वही व्यवहार कोई उनके साथ करे तो कैसा लगेगा?
आप सबों की बातों को सरकार तक पहुंचाकर जल्द इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। मौके पर मुरारी प्रसाद सिंह, विंदेश्वरी प्रसाद शाही, श्याम सुंदर भैया, जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार सिंह, महेंद्र सिंह, बम तिवारी, दिनेश चौधरी, पंचम राय, मोहम्मद जिसान अंसारी आदि सहित दर्जनों अधिवक्ता उपस्थित थे। और ये बात जो कही आप लोगों ने अभी कि काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप लोग ऊपर जाइए। आपको ये हक है कि जो यहाँ नहीं हो रहा है उसका सेम कंडीशन, सेम फाइल, सेम नंबर के साथ आप ऊपर जाइए। आपके पास ऊपर के पदाधिकारी वो भी तो सुनेंगे, तो जरूरी नहीं है कि यही सुने, एक बार कोशिश करके तो देखिए, कोशिशें कामयाब होती हैं। अरे नहीं देते हैं तो आप डायरेक्ट दीजिए, हक मांगने की चीज है, छीनने की चीज है, मिलता नहीं, मांगिए नहीं, और नहीं छीनने आता तो हम ठीक है, मैं माइक पर नहीं कहूंगा लेकिन मैं इसका रास्ता निकालता हूं। और देखिए मानव जब जोड़े लगाता है तो पानी बन जाता है, तो वो तो चेयर है, एक चेयर कैसे नहीं सामने आएगा। ठीक है, इसको दुरुस्त किया जाएगा और आप लोगों को तंदुरुस्त किया जाएगा, इसकी बात नहीं सकूंगा। मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश यादव द्वारा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मुरारी सिंह के साथ दुर्व्यवहार मामले को लेकर मधुपुर अधिवक्ता संघ विगत 36 दिनों से एसडीओ कोर्ट का बहिष्कार कर रही है। वह एसडीओ के स्थानांतरण की मांग को लेकर लगातार 8 दिनों से अधिवक्ता अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूर्व मंत्री राज पलिवार भी धरना स्थल पहुंचे व राज्य सरकार से एसडीओ के स्थानांतरण की मांग की। हर जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और आपको संघर्ष करना होगा और आपके संघर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम तैयार हैं। आपका मोहब्बत, आपका लगाव, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, 2005 से जो सुना है आपने हमको देने का काम किया है, धरने पर ले आया है। कि जन जन से नाता है, रिश्ता निभाना आता है, एमएलए एमपी बनना बड़ी बात, आपके आशीर्वाद से था, आपके प्यार से था, आपके मोहब्बत से था। मधुपुर के लोगों ने मुझे जो पहचान दी है मैं उसका कर्जदार जीवन भर रहूंगा, ये आपको भरोसा दिखता हूँ। कभी कभी मैं बोलता हूँ, कभी कभी आप देखते हैं हाथी जो होता है ना, हाथी वो मतवाला होता है, हाथी जो होता है वो मतवालों की लाशा अंकुश लगाने के लिए हाथी के ऊपर रहता है, लेकिन दुर्भाग्य है व्यवस्था आप कर लेना, नहीं तो अभी भी मैं वक्त देता हूँ, अभी भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार से हो, जिस माध्यम से हो, जिस तरीके से हो, अधिवक्ताओं का सम्मान होना चाहिए। अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, यदि आपने किसी प्रकार से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनके साथ माफी मांगिए और इनके यहां के अधिवक्ताओं के सम्मान में आप अपने कोर्ट का जो बहिष्कार उन्होंने किया है और नियमित रूप से आपने कोर्ट में सादर आमंत्रित करके उन्हें बुलाइए। इसी में सबकी खैरियत है, जनता का भी खैरियत है, अधिवक्ताओं का भी खैरियत है और आपका भी खैरियत है, हमारे जैसे आम नागरिक का भी खैरियत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो इस समस्या का समाधान कर लीजिए।